Hello friends, welcome back to this new episode of Ultimate You Series. My dear friends, आज हम बात करेंगे स्टेट पर, क्योंकि स्टेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं इस पर एक एपिसोड और लेना चाहूँगा. फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊँगा कि स्टेट कैसे डिटरमिन होती है. मैं जानता हूँ इसके बारे में मैंने पहले भी बात की है, बट मैं चाहता हूँ कि जो मेरे नए दोस्त मेरे साथ जुड़े हैं उनको भी इसके बारे में और पता चले और इस सीरीज़ का भी ये एक पार्ट बने. फ्रेंड्स, ये जो स्टेट होती है ये कैसे डिटरमिन होती है और इसकी वजह से हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैं इसके बारे में ही बात करूँगा. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखें आपके जीवन काल में जब से आप पैदा हुए हैं और आज तक आपकी लाइफ में बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं. अब भी अगर आप अपने आसपास देखें तो बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं. अपनी नज़र घुमाकर अगर देखेंगे तो आप पाएंगे कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ इवेंट्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं और वो आप अपने इन सेंस ऑर्गन्स से, जो आपकी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स दिए गए हैं, आपकी आईज, ईयर्स, नोज, टंग और आपकी स्किन, इनके द्वारा आप अपने अंदर रिसीव कर रहे हैं. सो माय डियर फ्रेंड्स, व्हेन यू रिसीव दीज इवेंट्स यूजिंग योर सेंस ऑर्गन्स, आप बीच में एक फिल्टर लगा देते हैं. उस फिल्टर का नाम है डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइज, जो कि आपके प्रायर एक्सपीरियंस के बेस पर है. आप या तो उस इवेंट से आने वाली इन्फॉर्मेशन को कुछ डिलीट कर देंगे या कुछ डिस्टॉर्ट कर देंगे या कुछ जनरलाइजेशंस लगा देंगे और तब आप उसे अपने अंदर स्टोर करेंगे. आप या तो उस इवेंट का कुछ हिस्सा, कुछ आने वाली इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर देंगे या हो सकता है आप किसी पूरे इवेंट्स को भी डिलीट कर दें. आपने देखा ही होगा, आप घर से ऑफिस तक गए, रास्ते में आपको कई 100 इवेंट्स नज़र आए होंगे जो कि आपने कॉन्शियसली देखे भी नहीं, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें कैप्चर कर रहा था. बट आपने कुछ 5-6 सिग्निफिकेंट फ्यू ही याद रखे जो कि आपके लिए यूनिक थे या कुछ बहुत ही सिग्निफिकेंट हो रहा था. सो फ्रेंड्स, हमारा माइंड कुछ चीज़ों को डिलीट कर देता है और उसके साथ साथ वो कुछ डिस्टॉर्शंस भी ले आता है. जैसे कि अगर आप देखते हैं कि आपने ऐसा कुछ किया तो उसका रीज़न क्या था, ये आपके लिए इवेंट अच्छा है कि नहीं है, कुछ भी जो हो रहा है वो आप अपने हिसाब से उस इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करते हुए ले रहे हैं. तीसरा फिल्टर हमारा जैसे जनरलाइजेशन का है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हैं कि मेरे आसपास वाले सारे लोग अच्छे नहीं हैं, मेरी सोसाइटी में तो सब गंदे ही लोग रहते हैं, दे डोंट हेल्प ईच अदर. आपने 2 या 4 लोगों से हेल्प मांगी होगी और उन्होंने आपकी मदद नहीं की, आपने जनरलाइज कर दिया कि मेरी सोसाइटी में तो सब बुरे हैं, कोई किसी की मदद नहीं करता. हम जनरलाइज कर देते हैं कि हमारा पूरा मीडिया ही करप्ट है, ये किसी के लिए बायस्ड है. लेकिन क्या हम देखते हैं कि कुछ फ्यू न्यूज़ चैनल्स या कुछ मीडिया वाले लोग ही करप्ट हैं या बायस्ड हैं या पूरा का पूरा मीडिया ही है? दोस्तों, हम ऐसे में जनरलाइजेशंस लगा देते हैं और ये डिलीट, डिस्टॉर्ट, जनरलाइजेशन का फिल्टर लगकर जब वो इवेंट्स आपके माइंड में स्टोर होते हैं, वो बनाते हैं आपकी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपकी मेमोरी, आप जिसे कहते हैं, वो है आपका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस. सब्जेक्टिव इसलिए क्योंकि वो एक्सपीरियंस हर बंदे के लिए अलग है. हर बंदा अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उन्हें स्टोर कर रहा है और जो एक्चुअल इवेंट हो रहा है, जो रियल इवेंट हो रहा है, बाहर जो हो रहा है, उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, बिकॉज दैट इज सेम फॉर ऑल. और माय डियर फ्रेंड्स, जो ये आप इंटरनल अपनी रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, अपनी मेमोरी में जो स्टोर कर रहे हैं, जो वो परसेप्शन उस इवेंट की अपने अंदर ले जा रहे हैं, वो ही डिराइव करता है कि आपकी स्टेट क्या होगी. उस इवेंट को आप 10 साल बाद भी याद करके उसी स्टेट में जा सकते हैं, वही स्टेट अपने आप आ जाएगी आप उसे याद करेंगे तो. और आप उसे याद नहीं कर रहे जो एक्चुअल इवेंट हुआ था,
आप अपने अंदर पड़े हुए उस परसेप्शन को याद कर रहे हैं। तभी तो हम कहते हैं कि यू डोंट बॉदर अबाउट द रियल इवेंट विच इज हैपनिंग, यू बॉदर अबाउट व्हाट इज स्टोर्ड इनसाइड यू, व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ दैट इवेंट। फ्रेंड्स, ये जो इवेंट्स हो रहा है, जो स्टेट डिटरमिन हो रही है हमारी, वो डिटरमिन करेगी फिर कि हम कैसे एक्शन लेते हैं। अगर आपकी स्टेट रिसोर्सफुल थी तो आप अच्छे एक्शंस लेंगे, अगर आपकी स्टेट अनरिसोर्सफुल हुई तो आप नेगेटिव एक्शंस लेंगे। रिसोर्सफुल और अनरिसोर्सफुल में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि रिसोर्सफुल स्टेट वो स्टेट हैं जो आपको हेल्प करती है कि आप अपने अंदर स्टोर्ड सारे रिसोर्सेज को ईजीली एक्सेस कर पाएँ। ऐसी स्टेट्स लाइक हैप्पीनेस, लाइक वेन यू आर स्माइलिंग, लाइक वेन यू आर मोटिवेटेड, वेन यू आर डिसिप्लिन्ड, सो दोज काइंड ऑफ स्टेट्स विच एम्पावर यू, दोज आर रिसोर्सफुल स्टेट्स। और जो स्टेट्स आपको रोकती है आपके अपने रिसोर्सेज को ही एक्सेस करने से, लाइक वेन यू आर इन फियर, वेन यू आर इन एंजाइटी, वेन यू आर इन सम फोबिया, आप डरे हुए हैं या आप कुछ स्ट्रेस में हैं, सो ऑल दोज काइंड ऑफ स्टेट्स जब आप नहीं कर पा रहे आप अपने सारे रिसोर्सेज को एक्सेस, सो दैट्स व्हाई इट्स नोन एज अनरिसोर्सफुल स्टेट्स। तो फ्रेंड्स, जैसे भी आपकी स्टेट होगी आपके एक्शन उसके अकॉर्डिंग ही डिटरमिन होंगे, एंड देन दैट एक्शन विल लीड वेदर योर लाइफ विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप, आपके जो इवेंट है दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। डिफरेंस मेक करता है तो व्हाट यू आर परसीविंग, आपने क्या परसीव किया उस इवेंट को देखकर। अगर सबके लिए ऐसा है तो क्यों नहीं हम कुछ अच्छा परसीव करते, क्यों हमने ये गलत फिल्टर्स लगाकर अपनी जिंदगी का बैंड बजाया हुआ है, व्हाई माय फ्रेंड्स। लेकिन आज भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम इन इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस को भी चेंज कर सकते हैं, जो हमारे सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट्स पड़े हुए हैं हम उनको भी चेंज कर सकते हैं। सो यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी माय फ्रेंड्स, एंड आई कैन टॉक अबाउट दैट मोर समटाइम्स। फ्रेंड्स, दिस स्टेट इज रियली रियली इम्पॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग सो मच ऑफ टाइम ऑन दिस, क्योंकि ये ही डिटरमिन करता है आप उस मोमेंट में कैसा बिहेव कर रहे होंगे, कैसा फील कर रहे होंगे, क्योंकि आपके सारे रिजल्ट्स आपके एक्शंस पर डिपेंड करते हैं और आपका एक्शन आपकी स्टेट पर डिपेंड करता है, और आपकी स्टेट डिटरमिन होती है कि आपने अपने सबकॉन्शियस में क्या इम्प्रिंट्स डाले हुए हैं, क्या आपकी प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है। बट यू हैव अ चांस, यू कैन चेंज दोज प्रोग्रामिंग, चेंज दोज इम्प्रिंट्स, सो दैट यू कैन लीड अ वेरी गुड लाइफ माई फ्रेंड्स। बस आज के लिए इतना ही, और इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे इस सीरीज़ में और जानेंगे कुछ और नई चीज़ें कि हम कैसे कैसे सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, कैसे जो रिजल्ट्स हम चाहते हैं उन्हें पा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर नाउ।